जितम सर्वम जिते रसे। एक साधक को अपनी जिभ्या पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। उपनिषद कहता है जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण कर लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। सर्वम जितम जिते रसे, सबको जीत लिया जिसने अपनी जिभ्या पर नियंत्रण कर लिया। जिभ्या पर नियंत्रण से तात्पर्य है अपने स्वाद पर और अपने वाद पर नियंत्रण रखना। वाद पर भी नियंत्रण रहे और स्वाद पर भी नियंत्रण रहे। आज वाद पर भी नियंत्रण नहीं है, संवाद नहीं है, केवल और केवल विवाद है, केवल विवाद है। जीवन में यदि हम वाद संवाद ना कर सकें तो ना कर सकें, लेकिन विवाद ना करें, विवाद ना। संगीत में भी दो स्वर होते हैं, वादी स्वर और संवादी स्वर होते हैं ना। विवादी कोई नहीं होता, विवादी नहीं होता, वादी होता है और एक संवादी होता है। आजकल क्या होता है कोर्ट में देखो ना, जानते हो, दिन रात जाते हो, एक वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी पीछे लगने वाला, प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी। यदि वादी प्रतिवादी के जीवन में कोई संवादी आ जाए तो विवाद ही समाप्त हो जाए। इसलिए एक साधक को चाहिए कि अपनी जिभ्या पर नियंत्रण करे, रसना को जीते, वाद को भी जीते और स्वाद को भी जीते।